Sports Content Group of the Year. Personality of the Year. अब तुम मेरे इको वाले बंदे को अपने साथ रखोगे? सीधा भाई बात पे लेकर आता तुम्हें, जो मेन चीजें थी कैमरा में तो देखा नहीं जाएगा। मेरा मेन यही चीज़ था BGS को लेके कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था BGS को लेके, मतलब जो हमारी टीम थी उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब सब टैलेंटेड प्लेयर है, समझ रहे हो, एक से बढ़ के एक है, तुम सबको पता है। बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट करी वो मतलब काम नहीं करी। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं खुद का नहीं बता रहा कि लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं BGS वगैरह के लिए, क्योंकि जितना है तो तुम्हें पता है ऑब्वियस है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे कोई भी चीज़ में, थोड़ा सेक्रीफाइस तो बन, देखो कोई भी टूर्नामेंट पास वगैरह थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपन को। तो मैं ये एक्सपेक्ट लेके मतलब इधर आया था करके, तो मेरा मेन यही था कि मैं स्टार्टिंग में जो हमारा मैनेजर था टॉम, उससे बात हुई थी अच्छी खासी मेरी, कि हम सब मतलब 3-4 दिन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गए मेरे। बट उसके बाद में थोड़ा सा सीन ऐसा हुआ कि लाइक पेड वगैरह जो अपन कस्टम खेलते हैं नॉर्मल, वो उसमें अपन हम लोग इतना मन वगैरह से नहीं कर रहे, समझ रहे, जस्ट टाइम पास खेल रहे थे। हम ये समझ के नहीं खेल रहे थे कि लाइक BGS है कुछ सीखने को मिलेगा वगैरह वगैरह करके। तो वही है कि चीज़ें को सीरियसली नहीं, मतलब इतना मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी थी, मैं बोला मैं भी नहीं था सीरियस वगैरह करके। मैं तुम्हें मेन जो चीज़ें एक टीम में होती है वो बता रहा हूँ, और ड्रीम टीम इसका मैं बता रहा हूँ भाई। देखो मैं भी हूँ ड्रीम टीम में, ठीक है, मैं भी था, मैं खुद को मानता हूँ भाई, मैंने को ताने वाने, सच बात वो बता रहा हूँ, तुम लोग को पता है चारों बंदों में टैलेंट था। बट वो है कि चारों बंदों का एम एक साथ एक जगह नहीं था, सबका अलग अलग था, किसी को ज़्यादा करना है, किसी को कम करना है, कोई और चीज़ में। मैंने सबको जितना हो सके मैंने ट्राई किया पुश करवाने का मेरी साइड से, कि मैंने सबको पर्सनली भी समझाया है, और मतलब एज ए टीम के अंदर डिस्कशन हुआ है उसमें भी समझाया कि ये चीज़ में हमें वर्क करना चाहिए। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से गई नहीं सही। लाइक बोलते ना डेडिकेशन जो अपन को होना ज़रूरी है ट्रॉफी के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, वो थी नहीं। वो ठीक, अब जैसी लास्ट टूर्नामेंट, जैसे कल टूर्नामेंट है तो आज सारी डेडिकेशन आ गई, वो सीन हुआ। तो मेरे को वो चीज़ को लेकर मैं, मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि तुम ये बताओ एग्ज़ाम के चलो एक दिन पहले के तुम पास हो जाओगे, लेकिन टॉप थोड़ी कर सकते हो भाई टॉपर वगैरह, तुम्हें एटलीस्ट बेसिक वगैरह क्लियर होने चाहिए, फिर तुम लास्ट में पढ़ के टॉप कर जाओगे। मेरा वैसे ही कि एटलीस्ट तुम लोग का बेसिक भी क्लियर नहीं है ना मेरा है, तो अपन एक साथ खेल के प्रैक्टिस करके अपन आगे बढ़ते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तुम लोग को वही चीज़ बता रहा हूँ भाई, तुम अगर स्पोर्ट्स में घुस रहे हो, चार बंदे ऐसे ढूंढो जो तुम्हारे जैसे हो, जो तुम्हारी कॉल सुने, तुम्हारी रेस्पेक्ट करें, और ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। देखो मैंने मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, ईगो वगैरह भी बहुत चीज़ें देखी, मैं बता नहीं सकता भाई। वरना आप कुछ बच्चे वो बोलेंगे यार करता रहता है, कुछ करता रहता है, देखो मैं वो बात अलग है, मैंने जो किया है सच बताने के लिए किया भाई। और मेरे को देखो मैं बता दूँ, एक्सो के बाद में मैंने लीव किया, IGL क्यों बना मैं उसका रियल रीज़न ये बताता हूँ। क्योंकि IGL बनना ये नहीं कि सिर्फ तुम कॉल दो, कुछ भी दो, चुपचाप बैठ जाओ। IGL बनना एक तरह से तुम्हारे तीन बंदे तुम्हारे जो अंडर रहेंगे उनको कुछ सिखाओ, एटलीस्ट तुम डिसिप्लिन में रहोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम उनको सिखाओगे, डेडिकेटेड रहोगे, डिस्कशन वगैरह करोगे सपोर्ट के, या कुछ भी करो कोई भी टाइम पे, ABG जो भी रहेगा करके। तो वो चीज़ें से IGL बनता है इंसान। अब तुम प्रेशर में आके खुद रख दोगे, फिर बाकी तीन बंदे भी हगेंगे ना। तो मैंने ये चीज़ें थी कुछ मेरे कि भाई मेरे को किसी को दिखाने का IGL नहीं बनना, मेरे को इसलिए IGL बनना है कि मैं मेरे बाकी तीन बंदों को बेस्ट बना सकूँ, चाहे भले ही वो कैसे हो। तो मेरा तुम लोग को लाइव आके बताने का बस यही एक रीज़न था कि भाई कहाँ पर भी टीम बना रहे हो, बनते देख के बनाओ, टैलेंट देख के नहीं, कि भाई इसको फ्रैगिंग करना आता है, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्किल है, ये मार देगा नहीं, नेचर देख के लो भाई पहले कि बंदा, क्योंकि नेचर से क्या होता है भाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इमॉर्टल का, मैं उसको गाली बक दूँ कुछ भी बक दूँ, बट वो मेरे को रेस्पेक्ट करके सुनेगा, वो मेरे को गाली बक दे तो मैं भी उसकी सुनूंगा, समझ रहे हो। तो उससे इंप्रूवमेंट जल्दी आती है। अब तुम एक ईगो वाले बंदे को अपने साथ रखोगे जो तुम गाली बकोगे तुम्हें जवाब देगा और कुछ करेगा, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा टीम का, मेरे को ये बताओ। कई लोग तो कुछ और क्वेश्चन पूछने आए हैं, बट भाई वो क्वेश्चन तुम लोग को बाद में पता चलेगा। अभी जो वेलकम टू भाई, अभी देखो कुछ भी सीन मेरा पक्का वगैरह हुआ नहीं है, वरना मैं एक्टिंग कर रहा हूँ भाई। देखो जो भी सीन होगा भाई, मैं इधर थोड़ी बैठा रहूँगा, जहाँ पर मैं हूँ उधर जाके स्ट्रीम करूँगा। So, your nominations for the Esports Content Group of the Year are... Esports Content Group of the Year. G2 Esports. Offline TV. Carmine Corp. Sentinels. Fnatic. D1. SHUL Esports. Here are the nominations for Personality of the Year. Esports Personality of the Year. Disguised Toast. Tarek. Nate Shot. Scott. Ebi. James Banks.
Cadrill, Mortal, Nobru. फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं कि हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, विल गो विद टीम एक्सपार्क. दूसरे प्लेस पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वेनम गेमिंग इस बार हो सकती है. और थर्ड पे मेरे हिसाब से कार्निवल गेमिंग आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी. फोर्थ प्लेस पे मेरे हिसाब से मैं आरू को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है. और वैसे भी उसने मिडवेव के साथ खेला था पिछला BGIS, मिडवेव के साथ खेला था उन लोगों ने, तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छा खेल कर गए. अभी तुम लोग सोच रहे होगे आइकोस वैलेंट जी को क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि जी का देखो इतिहास रहा है कि लैंड में वो कभी अच्छा नहीं खेले. ठीक है, ESL हुआ था वहां पर वो बहुत ज्यादा नीचे थे, बहुत ही ज्यादा नीचे थे. आइकोसोल का मुझे कुछ सीन लग रहा है जो कि मैं आज ट्विटर पे डालूंगा, तुम लोग वहां जाके देख लेना. और मैं क्यों उनको टॉप 5 में नहीं रख रहा हूं उसका भी रीजन मैं वहां पे लिखूंगा. अच्छा, लिम्रा को मैंने बोला टॉप 5 में, तो लिम्रा मैं कैसे भूल गया. ये हमारी टॉप 5 टीम है और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में ओवरऑल स्टैंडिंग होगा.